जम्मू कश्मीर में बीते कुछ सालों से आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना और पुलिस ने अभियान चला रखा है। जवानों अभियानों के जरिए कई खुखार आतंकवादियों का खात्मा कर चुके हैं। श्रीनगर में पुलिस ने एक हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी घटना आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। उसके पास से एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि 29 जुलाई को शहर के बटमालू इलाके से प्रतिबंधित संगठन अलबद्र से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकी की पहचान अरफत यूसुफ के रूप में हुई है। वह पुलवामा के राजपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने हाइब्रिड आतंकी के कब्जे से पुलिस को एक पिस्टल, 20 राउंड जिंदा गोलियां और 2 मैगजीन सहित हथियार और गोला बारूद व आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया है। पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया है कि खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने अरफत यूसुफ को गिरफ्तार किया है। वह पुलवामा में आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। किसी वारदात को अंजाम देने को लेकर वह श्रीनगर में था। बटमालू थाने में UAPA की धारा 13-23 और IA अधिनियम की धारा 7/25 के तहत FIR दर्ज की गई है।